और स्टोरी टाइम, लेट्स गो विद इट। टाइम व्हेन आई गॉट लॉस्ट, तो ये तब की बात है जब मैं वेकेशन पे गया था गोवा पे, और हम लोग जहाँ पे रह रहे थे वो एक लाइक विला के तरह, समझ रहे लाइक ऐसे विला नहीं होता है वैसे, वहाँ पे रह रहे थे हम लोग। तो रात को क्या हुआ था कि मेरे भाई और मेरे थोड़े से कजन ने बोला था कि हमको हाइड एंड सीख खेलना चाहिए, तो फिर हाइड एंड सीख खेलने गए, तो मैं छुपने गया और फिर तो मैं पकड़ा गया एक दो बारी, और ऐसे नॉर्मल गेम्स चलते गए। और उसके बाद फिर मैं जहाँ छुपने गया वहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब सी जगह थी। तो इसमें एग्जैक्टली बताऊँ वो जगह कहाँ पे थी, जो हमारे विला के आगे एक रोड था, एक पाथ होता है, तो वो पाथ के आगे दूसरे जो विलास थे मैं उसके पीछे जाके छुप गया। तो फिर वहाँ पे 20 मिनट तक मुझे को ढूंढ नहीं पाया है, देन उसके बाद मेरी बहुत फटने लगी। सो फिर 30 मिनट्स हो चुके थे और मैं बहुत ज्यादा नहीं फट रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कहाँ पे, तो मैंने सोचा कि वापस चलना चाहिए मुझे। तो मैं वापस जाने लगा तो क्या हुआ, मैं भूल ही गया मेरा विला कौन सा था। तो विलास बहुत सारे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं था बाहर, रात हो रही थी और रात के लाइक 11 बज रहे थे, और मैं इतनी फट रही थी, इतनी ज्यादा ही फट रही थी। सो मिडल ऑफ नोवेयर मैं बस रोने लग गया, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए था, तो मैं रोने लगा। और बहुत टाइम फिर पास हो गया था, 1 घंटा हो चुका था, तो मुझे अचानक से अपना कजन मिल गया। और फिर मेरा कजन भी छुप ही रहा था, और उसने कहा था कि क्या हुआ, मैं भी वो भी खो चुका था, तो उसको लगा था वो गेम जीत चुका है। तो फिर उन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे थे हम दोनों, एंड उसके फिर हमने वापस ढूंढने की कोशिश की विला। फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं इतना स्टूपिड हूँ, इतना ज्यादा ही स्टूपिड हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना फोन हमेशा से था, बट द सेकंड मैं अपना फोन निकालता हूँ मेरा बैटरी इज डेड। फिर मैं और मेरा कजन बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, बट फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम लोग अपने घर के बिल्कुल सामने ही थे, बिल्कुल सामने ही थे बहुत टाइम से। तो फिर मैं जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब कोई होता ही नहीं है विला में। फिर हम लोग सोचते हैं कि वो सब लोग कहाँ गए, फिर हम लोग वहाँ पे 1 घंटे के लिए बाहर ही बैठे रहते हैं। दिन में हमारे ब्रदर्स और मेरे पेरेंट्स रिटर्न करते हैं, और फिर हमको पता चलता है कि ओ माय गॉड, वो लोग हमको ढूंढने गए थे और हम लोग उनको ढूंढ रहे थे इतनी देर से। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली अंदर जाते हैं, और फिर अंदर जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा थकता हूँ, मुझे बहुत मार पड़ती है अपने पेरेंट्स से कि मैं कहाँ चला गया था। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं इतना स्टूपिड था, क्योंकि मेरे पास अपना फोन हमेशा से था, बट मैं क्यों नहीं पेरेंट्स को कॉल किया। ओके यार, सो दैट इज इट फॉर टुडे। और वैसे ये बहुत पुरानी स्टोरी है, मुझे याद नहीं आया, आई थिंक काफी पुरानी है, तो मैं गोवा गया था तब, बहुत मजा आया। सो सी यू द नेक्स्ट वन।